चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज के ब्रेक न्यूज और सबसे पहले जानिए दोस्तों वो आ रही पोको की तरफ से। पोको की तरफ से उनका अगले आने वाला जो फोन है वो 30 मार्च को आने वाला है, ये बात पोको ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। और ये फोन होने वाला है पोको X3 प्रो और इस फोन के स्पेसिफिकेशन भी निकल के आ चुके हैं। शाओमी की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट थी उसके ऊपर से ये स्पेसिफिकेशन लीक हुए जिसके अंदर दिखाई दे रहे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 860 चिप से साथ ही साथ 5160 mAh की बैटरी बैकअप भी दिखाई दे रहे। अब देखना होगा ये जो फोन है किस प्राइस पे आता है। लीक्स की अगर मानते हैं तो 21,000 के अराउंड आ सकता है। अगर उस प्राइस पॉइंट पे आता है तो सबसे बढ़िया फोन होगा अंडर 22,000। तो देखना होगा जब 30 मार्च को ये फोन लॉन्च होगा तो किस प्राइस पे लॉन्च करता है पोको, ये देखना होगा। और अगली न्यूज आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus की तरफ से OnePlus की 9 सीरीज में OnePlus 9R ये फोन आने वाला है, ये कल OnePlus ने कंफर्म कर दिया। लेकिन आज जो उन्होंने पिक्चर डाला वो बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाला है क्योंकि इसके अंदर दिखाई दे रहे OnePlus 9R के साथ गेमिंग कंसोल जो है वो दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये जो है गेमिंग फोन होने वाला है और इसकी प्राइस भी निकल के आ चुके 30,000 के अराउंड ये फोन आ सकता है। मतलब Asus ROG 5 ये जो गेमिंग फोन है इसे टक्कर देने के लिए ये फोन आ सकता है OnePlus की तरफ से। तो देखना होगा ये जब फोन आएगा तो इसके अंदर गेमिंग वाले क्या ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या ये फोन Asus ROG 5 ये जो फोन है इस फोन को टक्कर दे पाता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। और अगली न्यूज आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल का Fuchsia OS जिसके बारे में बहुत सालों से चर्चा चल रही है, अब ऐसी न्यूज निकल के आ रही कि ये जो है इसका डेवलपर प्रीव्यू आने वाला है। इसका मतलब गूगल का Fuchsia OS है वो हमें 2022 में देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा ये जो OS है ये एंड्रॉयड को खत्म कर पाता है या फिर एंड्रॉयड अपनी जगह बनाए रहता है और Fuchsia OS अपनी जगह बनाए रहता है, दोनों में से क्या होता है ये देखना होगा। और अगली न्यूज आ रही है vivo की तरफ से। vivo की तरफ से V21 सीरीज है वो आ सकती है क्योंकि इस सीरीज के कुछ मॉडल नंबर जो है वो इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो है 5G वाले फोन होने वाले। तो देखना होगा vivo की तरफ से ये जो सीरीज है कब तक आती है और इस सीरीज में जो 5G वाले फोन आते हैं उनके अंदर कौन से चिपसेट आते हैं ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज आ रही है फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लेकर। ये जो थे तीनों कल के दिन इंडिया के टाइमिंग पे 10:30 जो है वो डाउन हो चुके थे और ये जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डाउन हुए थे। सबसे पहले इंस्टाग्राम डाउन हो गया और उसके बाद फेसबुक डाउन हो गया और व्हाट्सएप भी डाउन हो गया। तो आपने ऐसा कुछ प्रॉब्लम फिक्स किया है, मतलब आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया या फिर नहीं, अपनी चेक कमेंट करके जरूर बताए दोस्तों। और अगली न्यूज आ रही है ट्विटर को लेकर। ट्विटर के अंदर बहुत ही जल्द ऐसा फीचर आने वाला है जिससे आप जो भी ट्वीट कर रहे हैं उसे अंडू कर सकते हैं। लेकिन ये जो फीचर ये पेड मेंबर्स के लिए रहने वाला है। तो देखना होगा ट्विटर की तरफ से ये फीचर कब तक आता है और पेड मेंबर्स जो है उन्हें साल का या फिर महीने का कितना पैसा देना पड़ता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या लग रहा है आपको, क्या OnePlus 9R ये जो फोन है Asus ROG 5 इस गेमिंग फोन को टक्कर देने वाला गेमिंग फोन हो सकता है OnePlus की तरफ से या फिर नहीं, अपनी चेक कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।